सरकार के द्वारा किसानों की फसल सिंचाई के लिए जल उपभोक्ता संस्था के द्वारा काढ़ा नाली का निर्माण कराया गया था, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारी इस राशि को हजम कर गए। अपनी तिजोरी भरने के बाद अधिकारी अब चुप्पी साध लिए हैं, जिसका उद्देश्य किसानों के जीवन उद्धार के लिए बनाया गया था वो अधिकारियों के उद्धार का साधन बन गई। बताया जाता है कि 1 अरब 80 करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट था, जिसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ कि 1 अरब की वसूली है। इस नाली से एक भी किसान के द्वारा कोई उपयोग नहीं हुआ। आज भी अपने से नाली बनाकर किसान अपनी फसल सींचने के लिए मजबूर है। इस मामले के शिकायतकर्ता चतुर गौतम ने बताया कि अधिकारियों ने अपने चहेतों से साठ गांठ करके जमकर पंदरबाट किया और पूरी राशि हजम कर गए। घटना के संबंध में चतुर गौतम ने बताया कि कोर्ट से रिकवरी के आदेश होने के बाद भी अधिकारी उक्त मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं किसानों के खेतों में नाली पहुंचाने के लिए दी गई रकम का किस तरह से अधिकारी अपनी तिजोरी में भर लिए। सुनाते हैं शिकायतकर्ता चतुर गौतम को किस तरह से जल संसाधन विभाग का भ्रष्टाचार किया गया है। गिरावट जाए आप गिरावट सब गिरा दिया दूरी दूरी चप्पलदार है तुम चप्पलदार पूरी एक क्या मामला था और अभी क्या उसमें स्थिति हुई? देखिए, काढ़ा नाली पूरे जिले में किसानों के जीवन उद्धार के लिए एक काढ़ा नाली का निर्माण के लिए 1 अरब 80 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। दरअसल हुआ क्या, 1 अरब 80 करोड़ में से मेरे पास आंध्र कार्ड है, लगभग 1 अरब की वसूली है रीवा जिले में, और काढ़ा नाली से एक भी किसान हितबद्ध नहीं है। किसानों की दयनीय स्थिति तो आप जानते हैं, किसान कितनी किस किस परिस्थिति में किसानों की क्या हालत है, और काढ़ा नाली बनने के बाद किसानों को एक भी पानी नहीं मिला। पूरा काढ़ा नाली जो बनाया गया है पूरे रीवा जिले में, पिपरवार, राजगढ़, मीन्स दुल्हरा, जामू या कटकी, रिमारी, हिनौटा, ऐसा एक भी काढ़ा नाली नहीं जिनकी रिकवरी लगभग 6 लाख 6 करोड़, किसी का 5 करोड़, किसी का 50 लाख, किसी का 70 लाख, इस तरीके से 1 करोड़ की रिकवरी बनी है। जांच हुई, रिकवरी निर्धारित हुई, लेकिन आज दिनांक तक रिकवरी उनसे नहीं की गई। और किसानों की स्थिति ये है कि अगर वो मोटर ना लगाएं, अब मोटर से अगर पानी उपयोग ना करें, किसी किसान की कोई सिंचाई नहीं हो रही है। पूरा जल संसाधन विभाग इस भ्रष्टाचार में संयुक्त रूप से संलिप्त है। सभी इंजीनियर, SDO, AC एवं चीफ इंजीनियर, उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, एक गौण परियोजना है जिसमें बिना काम किए ही करोड़ों का भुगतान हो गया। जो काढ़ा का रिकवरी है वो कौन ठेकेदार है, किन्होंने करवाया जिनके साथ? काढ़ा नाली में 3 लोगों को रिकवरी के लिए बनाया गया था, सब इंजीनियर और अध्यक्ष, क्योंकि पैसे दोनों का हरण, दो के हस्ताक्षर हुआ करते थे, एक सब इंजीनियर एक अध्यक्ष, और दोनों के खाते सह खाते हुआ करते थे। दोनों पैसे में आधे आध का बटन भरा किया, और आज दिनांक तक वसूली नहीं की गई है। मेरे पास पूरे प्रमाणित साक्ष्य हैं, पूरी जांच रिपोर्टें हैं। ठेकेदार कौन था? इंजीनियर, अध्यक्ष और कोई ठेकेदार उसमें हुआ नहीं करता था, दोनों मिल करके इस पैसे का हरण किया है। मैंने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन भी करवाया था, और उसके बाद जांच हुई, जांच के बाद रिकवरी निकाली गई, लेकिन रिकवरी की वसूली आज दिनांक नहीं हुई। क्यों नहीं हो पा रही, क्या मामला? इसलिए कि मंत्री महोदय और PS और आयुक्त काढ़ा, CIO, चीफ इंजीनियर रीवा, ये सब उसमें लिप्त हैं। पहले सुगलिका आयुक्त हुआ करते थे, दंडेकर साहब यहाँ 80 थे, चीफ इंजीनियर रीवा गंगा कछार, इनकी पूरे कार्यों में से